डॉक्टर है या क्या है वो जिसने इस तरह का उनको रिपोर्ट लिख के देखा आईसीयू से लिया कि आप उनको जेल में डालते हैं। भाई 15 साल से एक आदमी जेल में है, मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट उनको सजा भी देता है, जुडिशियल कस्टडी में है, उनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि जेल में उनको मार दिया जाएगा और उनका वो एप्रिहेंशन सच साबित हुआ। ये आप बताइए कि किसी को जेल से आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तो आप आईसीयू से निकालकर जेल में भिजाते हैं उनको, वो डॉक्टर है या क्या है वो जिसने इस तरह का उनको रिपोर्ट लिख के देखा आईसीयू से लिया कि आप उनको जेल में डालते हैं और अब ये समझ रहे कि जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे और उनकी मौत वाकई में हुई है। अच्छा, उनका पोस्टमार्टम होता है तो भैया बाहर से क्यों नहीं बुलाएगा, उनके परिवार ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट FSL एक्सपर्ट्स को बुलाइए। तो यकीनन ये इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार पर आयद होती है कि दूसरा जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है। आपका जो एम ए के लोगों की कंफ्यूजन नहीं, लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि मौके पे देखा गया, कभी उन्होंने ऐसे अगड़ा बताया, आधी आबादी बताई, अल्पसंख्यक बताया, तो क्या मतलब उनको डर रहता था कि मौके मौके पे बीच में MY फैक्टर का उन्होंने बयान कहेगा MY खाली वाई फैक्टर काम करता है वहाँ पर। ने कहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है, एम कहाँ पर, A2Z अलायंस कहाँ है वहाँ पर, वो तो सिर्फ वाई की वही में ही रहते हैं। अगर वो दिल बड़ा करते और वाकई में उस पर काम करते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता, मगर उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। भाई आपकी ही पार्टी का लोकसभा का मेंबर है, आपकी लोकसभा का लीडर है और आप बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी, दो दो लोगों को B-फॉर्म देते हैं और आखिर खत में उनको बोलते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। आपका पार्टी का लीडर है, आप मुरादाबाद की सीट आपने कमजोर कर ली, रामपुर में आप एक नया तमाशा करते हैं, आपको घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों के, आप मुंह नहीं खोलते, इनकाउंटर में गोलियां मार जाए मुंह नहीं खोलते आप, हाँ गिरफ्तारियां होती हैं आप मुंह नहीं खोलते और आप सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा चौधरी, वोट दो। भाई एक तरफ BJP है, वो तो मुस्लिम वोट चाहिए नहीं उनको, 10 साल में उन्होंने मुसलमानों की राजनीति को खत्म करके रख दिया, इनविजिबलाइज कर दिया मुसलमानों को, गायब कर दिया भारत की राजनीति से। CAA का मामला है, आप मुंह नहीं खोलते उसके ऊपर, बताइए CAA पर क्या है इनका, अखिलेश का क्या है, कुछ नहीं बोलेंगे, बस चुनाव आया बस हमको जिंदा रखिए वोट दीजिए, ये कब तक चलेगा।